हर किसना छोड़ेंगे, जनों से पाक में जाना कभी हर किसना छोड़ेंगे, जनों से पाक में जाना कभी हर किसना छोड़ेंगे, मनाना जश्न मिलाद नबी हर किसना छोड़ेंगे, नबी के गीत गाना हम कभी हर किसना छोड़ेंगे। सरकार की आमद नाराए रिसालत जश्ने ईदे मिलादुन नबी खतीबे मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद फारूक साहब, आप खड़े होकर अपना मेहमान मौसम का आप इस्तकबाल करें और बीच में से और नारा लगाएं, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, आप राज बैठ जाएं। अब बकायदा जलसे की कार्रवाई शुरू होगी और मैं फिर अपनी तरफ से राजौरी की मरकजी मिलाद कमेटी को मुबारकबाद पेश करता हूं और यूथ नौजवान जो हमारी कमेटी है उनको भी मुबारकबाद देता हूँ और एक बार दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनो इबादु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीमा कार सदा बंदा नवाजा, इस आयत करीमा के सदके में या अल्लाह इस कोरोना वायरस को खत्म फरमा, या अल्लाह जम्मू कश्मीर में अमन अता फरमा, पूरी दुनिया में अमन अता फरमा, या अल्लाह फ्रांस के सदर ने हमारे नबी की शान में जो गुस्ताखी की है या अल्लाह सख्त से सख्त आदाब में उसकी गिरफ्त फरमा, या अल्लाह जितने बीमार है उनको शिफा अता फरमा, खासकर अल्लामा गुलाम रसूल साहब या अल्लाह इनको शिफा अता फरमा, हाफिज सईद साहब बीमार है शिफा अता फरमा, अलहाज अब्दुल कयूम डार साहब बीमार है, तजीम डार साहब की वालदा बीमार है या अल्लाह उनको भी शिफा अता फरमा, अलहाज मकबूल डार साहब या अल्लाह इनको भी सेहत अता फरमा, या अल्लाह अलहाज फजल रहमान डार साहब जो चंद दिन पहले दुनिया से चले गए हैं या अल्लाह उनकी मगफरत फरमा, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। अस्सलाम वालेकुम साहब और दीगर जितने भी हजरात हैं, मेरी मरकजी मिलाद कमेटी यूथ मिलाद कमेटी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, आप सबको जुमा और जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिल की अमीक गहराइयों के साथ मुबारकबाद। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन हर साल की तरह इस साल भी मनाया जा रहा है, वबा के चलते हुए हमने इंतजाम थोड़े से कम किए लेकिन आपका जोश से हम देख रहे हैं कि हमें इंतजाम और करने चाहिए थे, बहरहाल में ज्यादा गुफ्तगू में ना जाते हुए जलसे की कार्रवाई के लिए और निजामत के फराइज अंजाम देने के लिए
उस शख्सियत को दावत दूंगा जिन्होंने अपनी उम्र दीन की राह में सर्फ की। जहां जहां हमें उनकी जरूरत पड़ी वो हाजिर हुए। आज वो बीमार हैं लेकिन फिर भी जब उनसे निजामत के लिए हमने गुजारिश की लेकिन वो अपनी बीमारी के रहते हुए पता रखते हुए उन्होंने हमारी निजामत को कबूल किया। उनने पूरी उम्र अपनी खिदमत जो है हमें दी। तारीख जितनी भी तारीखें हैं या जितनी भी मजहबी यहाँ तंजीम है बिलखसूस मरकजी मिलाद कमेटी उनका दिल की गहराइयों के साथ शुक्रगुजार है। कहीं बात चल रही है, कहीं नाम चल रहा है, कहीं बात चल रही है, कहीं नाम चल रहा है, तेरी रहमत। दिल की अमीक गहराइयों से और जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद पेश करता हूँ और सलाम पेश करता हूँ। आप लोग बड़े ही खुश नसीब हैं जो इस महफिल में मौजूद हैं और बहुत सी महफिलें जो दुनियावी तौर पर मनक़द की जाती हैं वो सब इस महफिल की मोहताज हैं। इसी दिन के सदके में हमें ये दुनिया मिली, ये दुनिया की बहारें मिली, ये रोज़ो शब जो हम गुजार रहे हैं वो इसी ईद का सदका है। ये सब ईदों की ईद है। जैसा कि अभी अभी मौलाना फारूक साहब फरमा रहे थे कि ईद मिलादुन नबी सब ईदों की ईद है। इसके सदके में इंसानियत को जुल्म के अंधेरों से निजात मिली, जुल्म बर्बरियत से निजात मिली और वो अरब जो अंधेरों में गर्क थे वो दुनिया के लिए मिसले राह बने। वो रोशनी जो अरब से चमकी वो सारी दुनिया में छा गई और आज इंसानियत जो है वो इस ईद की मोहताज है। जश्न ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहे दिल से मुबारक। आइए हम और आप सबसे पहले दुरूद व सलाम की डालियां निशावर करें। पढ़िए बाबा नगर सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम चटाई पर मगर अर्श नशीन है, बैठा है चटाई पर मगर अर्श नशीन है, मखलूक में शामिल ऐसा कोई महबूब